हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 से एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। आज हम मीन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 है आरएस अग्रवाल का। बेटा, अगर हमको मीन दे रखा है तो उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते जल्दी से। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। बच्चों, ये 0.8 है, ठीक है। आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। इसका मीन अगर आपको 62.8 दिया तो बताइए मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स यहाँ पे कितनी होगी, ठीक। टेबल आपके सामने है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसके हिसाब से मुझे इसकी टेबल बनानी पड़ेगी और कुछ कॉलम्स। चलिए मैं सबसे पहले टेबल बनाना स्टार्ट कर लेता हूं। बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? क्लास, ठीक है। क्लास का मतलब है हमें क्या दे रखी है, 0 to 20। बहुत जल्दी से टेबल देखेंगे हम, 20 to 40, 40 to 60 एंड 40 to 60 के बाद आएगा 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। सभी को समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। बेटा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा अगला, बहुत ही सिंपल है। 5, 8, x, 12, 7 एंड 8, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपको कोई भी कॉलम याद रखने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो यानी कि आपको एक्स आई चाहिए। एक्स आई सब बच्चे जानते होंगे, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। निकलती कैसे है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं एक्स आई का, यूएल प्लस एलएल अपॉन 2। UL मतलब अपर लिमिट, LL लोअर लिमिट अपॉन 2। बेटा, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, दोनों को ऐड करो, 0 20 20 अपॉन 2 करो 10, यानी कि इसका जो एक्स आई आएगा 10। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी, कोई भी बच्चा बार बार ऐसा करके ना देखे। आप देख रहे हैं सब में कितने का गैप है, 20 20 का गैप है, यानी कि इसकी एच जो है वो सेम है सब में। एच फॉर जानते हैं क्लास साइज, जो कि सब में सेम है। ऐसा होने पर क्या करते हैं, जितनी इसकी क्लास साइज होती है ना, 20 का गैप है तो सब में वो ऐड करते चले जाते हैं। 10 में 20 ऐड करो 30, फिर 20 ऐड करो 50, फिर 20 ऐड करो 70, फिर 20 ऐड करो 90 और ये 110। बढ़िया ट्रिक है, आप ऐसे कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि सबको आप ऐड करो फिर डिवाइड करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, मैंने क्या बोला, याद मत करना। कॉलम कौन सा अगला चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स आई दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उसका समेशन होगा। तो बेटा, अगला कॉलम पता चल गया, इसका मतलब हमें एफ आई एक्स आई का कॉलम चाहिए। तो देखो, रटना तो नहीं पड़ रहा, एफ आई एक्स आई मतलब यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 into 10 50 और ये 240 और ये आपका 50x हो जाएगा बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई होगा। 12 का 7 में करेंगे 840 आएगा मेरे हिसाब से, ये आपका 630, 790, ठीक है बेटा, 880। यहां तक सब बच्चों को आ गया होगा। मैं निकालूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सभी का। बेटा, इस सिग्मा देख रहे हैं, सिग्मा इसका मतलब होगा समेशन, समेशन मतलब सबको ऐड करना, ऐड करेंगे तो 0 0, लास्ट में 0 ही चल रहा है। बस इसको ऐड मत करना 50x को, क्योंकि ये तो अलग लिखा जाएगा, इसमें x है ना, 5 और 4 9 9 9 और 4 13 13 13 और 16 16 और 8 24, सही है। 2 2 और 2 4 4 4 4 और 8 12 12 और 6 18 18 और 8 कितना होता है 26। तो बेटा 2 6 4 0, तो ये रहा, और ये 50x अलग से चल रहा है, तो ये आप लिखेंगे 50x। सबको समझ में आ गया, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। मैं यहां पे जल्दी से सिग्मा एफ आई और निकाल लेता हूं, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, 5 और 8 13 13 और 12 25 25 और 15 40, और ये बच्चों एक्स और अलग से आएगा, ये वाला एक्स है ना, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। नाउ देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने टेबल बना ली है और पूरी पूरी यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई निकाल लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा, सब बच्चे जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सबको पता है। ये एक्स बार मतलब मीन का फॉर्मूला होता है। बेटा, आपको कितना दे रखा है एक्स बार, 62.8 हमने यहां पे रखा। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 2640 प्लस
50x, और सिग्मा एफ आई कितना है बच्चों 40 प्लस का x। बेटा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 62.8 का 40 में, यानी कि 62.84 कितना हो जाएगा, 42, ये आपका आ गया 2512। ठीक है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से करें जैसे आपको ठीक लगे। मैंने पहले ही 10 का मल्टीप्लाई पॉइंट में करके 628 बना लिया था, कितना आ रहा है 2512। 62.8 का एक्स में करेंगे तो 62.8x हो जाएगा, ये 2640 और ये 50x। स्टूडेंट्स ये 50x इधर आगे माइनस ही तो होगा, तो 62.8 में से 50 गया तो 12.8x बचेगा, सही है। और 2512 इधर जाके माइनस होगा, करके देखिए 128 बचेगा। तो बच्चों ये आ गया आपका 128 अपॉन 12.8, नीचे चला जाएगा, पॉइंट हट जाएगा बेटा जीरो, और ये पूरा का पूरा 10 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रही है 10, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर मीन दिया हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है ना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख पाए। और मैं आपके लिए डेली वीडियोज लाता हूँ, बहुत सारी वीडियोज लाने वाला हूँ, स्टेटिस्टिक्स पूरी क्लियर हो जाएगी। तब तक आप लोग इसको शेयर करते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।